नमस्कार दोस्तों, आज हम मनरेगा यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है उसके अंदर जो स्कीम चल रही है, साल 2005 से ये एक्ट लागू हो गया है। पूरे भारत में ये स्कीम जो है वो चल रही है, तो जिसमें कम से कम 100 दिन का रोज़गार देने का प्रावधान है गांव के जो लोग हैं, और इसके साथ साथ जो रोज़गार कैसे देना है उसकी भी क्या क्या प्रोविजंस हैं। तो ये एक टेक्निकल मैनुअल है, समर्थ्या इसको ट्रेनिंग टेक्निकल ट्रेनिंग मैनुअल बोलते हैं, ये मनरेगा की वेबसाइट पे उपलब्ध है। तो इसमें जो हम बात करेंगे, जैसे आपको लेबर का बताया है कि उनको रोज़गार देने के लिए, तो उसके साथ साथ इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जो बिल्डिंग्स बनाना और जो कि बुनियादी ढांचा होता है वो खड़ा करने के लिए भी प्रावधान है। तो आज जो हम बात करेंगे, जो गांव में बिल्डिंग्स जो बनानी है, तो उसके बारे में मनरेगा में क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं, तो ये चैप्टर 6 में इसके मैनुअल में दिया हुआ हुआ है। तो इसमें आप गांव में ग्राम पंचायत की जो बिल्डिंग है उसका कंस्ट्रक्शन इसमें के अंडर किया जा सकता है, तो इसमें पूरा खर्चा जो है वो मनरेगा स्कीम में मिलेगा, तो उसका पूरी डिटेल यहाँ पे दी गई है। उसके बाद आंगनवाड़ी सेंटर है वो बनाने हैं, तो उसका भी मनरेगा में प्रावधान है। तो हम एग्रीकल्चर रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बात करेंगे, तो उसमें सबसे पहले आ जाता है विलेज हार्ट एट विलेज और ब्लॉक लेवल, कि गांव में हार्ट बनाना है, एक ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा करना है, यहाँ पे दुकानें होंगी जो स्थानक जो किसान हैं गांव के आसपास के गांव के, तो उनको मंडीकरण के लिए जो है एक जगह पे जो पंचायती ज़मीन हो वहाँ पे एक विलेज हार्ट जो बनाया जाएगा। तो उसमें क्या क्या प्रोविज़न है, जैसे उसमें एक रेज्ड प्लेटफॉर्म होगा, एक ऊंची जगह बना दी जाएगी मिट्टी डाल के, और टॉयलेट्स होंगी, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी होगी, ड्रेन्स होंगी, गार्बेज पिट होंगे, ऑफिस का ब्लॉक होगा, छोटा सा स्टोर होगा, और इसमें जो है 14-15 दुकान जो है वो इसमें बनाने का जो है प्रावधान है। इसका जो फिगर है, जो डायग्राम है, इसका प्लान है वो भी स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है, तो आगे जैसे इसमें लिखा हुआ है आपको उस पेज पे दिखाएंगे, 6.8 जो फिगर है उसमें इसका डिटेल डिज़ाइन दिया हुआ है। उसके बाद जैसे शमशान घाट भी इसी के अंडर बनाए जा सकते हैं। फिर है वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फेडरेशन, या गांव में या दो चार गांव आपस में मिल के वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उनको मीटिंग्स के लिए अपने कुछ काम करने के लिए कोई जगह चाहिए होती है, तो आमतौर पे ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, तो उनके लिए स्पेशली ये शेड बनाए जाने का जो प्रावधान है वो भी मनरेगा में है। साइक्लोन शेल्टर, ये जो समंदर के साथ लगते एरिया हैं उनके लिए है। उसके बाद है कॉमन वर्कशेड फॉर लिवलीहुड एक्टिविटीज़ ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, तो और भी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं तो उनका जो काम करने के लिए है, कि उनको कोई प्रोसेसिंग का काम करना है, पैकिंग का, तो उसके लिए शेड बनाने का इसमें प्रावधान है। और उसके बाद पोस्ट हार्वेस्ट फैसिलिटीज़ इंक्लूडिंग पक्का स्टोरेज फैसिलिटीज़, तो जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसको खेत में एक बार आपने उसका हार्वेस्टिंग कर लिया है, कटाई कर ली है, तो उसको संभालने के लिए एक स्टोर बनाने के लिए इसमें प्रावधान है। और ये इंदिरा आवास योजना का जो हाउस का कंस्ट्रक्शन है उसके लिए है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक प्लान है, ये स्टैंडर्ड, ये पहले से बना हुआ है डिज़ाइन, कि जो रूरल हार्ट जो बनाना है, तो गांव में विलेज हार्ट जो बनाना है, तो ये उसका पूरा प्लान है। तो इसके लिए आपको कोई स्पेशल नक्शा बनाने की या प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ जो है वो स्कीम के डॉक्यूमेंट में दिया हुआ है। कैसे शमशान घाट के लिए ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए शेड है, ये साइक्लोन शेल्टर, ये पक्का स्टोर जो है जो पोस्ट हार्वेस्ट के लिए, ये इंदिरा आवास योजना का, तो जो ये कंस्ट्रक्शन में जो इस्तेमाल होने वाला मटेरियल है जो गांव लेवल के लेवल पर ही बन सकता है, तो वो मटेरियल बनाने के लिए भी गांव में ही काम किया जा सकता है मनरेगा के अंडर में, जितना सामान है, ईंट है,
या कुछ और ऐसा सामान है जो गांव में बन सकता है, तो उसकी पूरी जानकारी इसमें दी गई है। और इसके बाद जो एग्रीकल्चर के लिए है कि एक जो कंस्ट्रक्शन ऑफ फूड ग्रेन स्टोरेज, तो ये जो फूड नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है 2013, उसके प्रावधानों के साथ इसका के हिसाब से इसको बनाना है। तो इसमें दो तरह कैपेसिटी के स्टोर बन सकते हैं, 250 मीट्रिक टन और 500 मीट्रिक टन का। तो ये जो स्टोर है ये भी पंचायत की ज़मीन है, तो कुछ गांव इकट्ठा होकर या एक ब्लॉक लेवल पे या गांव लेवल पे ये जो स्टोर है ये बनाया जा सकता है। इसमें मटेरियल का खर्चा सारा सरकार की तरफ से होगा और जो लेबर है वो नरेगा कार्ड जिनके बने होंगे वो लेबर कर सकते हैं। तो ये इसका पूरा प्लान भी बना हुआ है, 250 मीट्रिक टन का ये स्टोर का पूरा प्लान है कि बिल्डिंग कैसे खड़ी करनी है। यहाँ पे जो दिखाया गया है ये 500 मीट्रिक टन का है, तो ये बिल्डिंग मटेरियल के लिए यहाँ पे बताया गया है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो सरकार की तरफ से ये मनरेगा जो स्कीम है, इसको आमतौर पे यही समझा जाता है कि ये स्कीम जो है गांव की सफाई करने के लिए, गलियां नालियां पक्की करने के लिए ही बनाई गई है, या वाटर चैनल ठीक करने के लिए, और एग्रीकल्चर में इसमें कोई प्रावधान नहीं है। तो ये उसमें जो मेजर एग्रीकल्चर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो प्रावधान है उसकी पूरी की पूरी जानकारी इस ट्रेनिंग मैनुअल में है। ये आप मनरेगा की वेबसाइट पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या गूगल पे भी जाके आप समर्थ्या, जैसे ऊपर आपको स्पेलिंग दिख रहे हैं तो समर्थ्या टेक्निकल मैनुअल मनरेगा करके सर्च करेंगे तो गूगल पे भी आपको सीधा ये पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। तो इसको आप डाउनलोड कीजिए, पढ़िए, और अपने जो ज़िला के ऑफिसर्स हैं मनरेगा के या जो लाइन डिपार्टमेंट हैं, जैसे एग्रीकल्चर का कंस्ट्रक्शन करना है तो एग्रीकल्चर जो ऑफिसर्स हैं तो उनसे आप संपर्क कीजिए। तो ये इसके लिए ज़रूरी है कि ग्राम सभा में पूरे प्लान का जो है वो मता पास होना चाहिए। तो ग्राम सभा में ये पहले से प्लानिंग की जानी चाहिए कि कैसे कौन कौन सा काम टेकअप करना है। तो मनरेगा जो है उसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं, और इसमें जो फंडिंग होती है उसमें ये सब्सिडी नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको लोन नहीं है, तो ये सीधा सीधा 100% जो है वो ग्रांट इन एड है कि आपको पूरे का पूरा जो पैसा है खर्चा है वो सरकार ने करना है। लेबर का जितना खर्चा होगा वो जिनका लेबर का मनरेगा का कार्ड बना होगा उनको वहाँ पे रोज़गार मिलेगा। कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी गांव में बनाया जा सकता है, या एक ब्लॉक लेवल पे या एक कुछ गांव के क्लस्टर में ये सारा कुछ डेवलप किया जा सकता है। तो इसमें जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें आप देखिए कि किसानों को जो दिक्कत आती है, सरकार भी कई सालों से प्रयास जो कर रही है कि स्टोरेज की दिक्कत आती है और मंडीकरण की दिक्कत आती है, तो ऐसे ही आप प्लान आउट करके ये सुविधाएं जो है उससे आप लाभ जो है वो ले सकते हैं। धन्यवाद।